हेलो एवरीवन, आप सबको हैप्पी फादर्स डे। आज फादर डे है बेटा, पता आपको? पापा को विश किए फादर हैप्पी फादर हैप्पी डे पापा हैप्पी फादर डे हैप्पी फादर डे। आज हम लोग कुछ स्पेशल लेने जा रहे हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। बताता हूँ हम लोग क्या क्या लेंगे आज। क्या लेंगे? बालाजी के लिए भी गिफ्ट है उसमें ना बेटा। बालाजी तो हैप्पी हो जाएगा आज। हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मेरे साथ बने रहिए, हम लोग चलते हैं बताते हैं। देखो मेरे पास छोटा सा। तो हम लोग ऑटो से निकल चुके हैं बस स्टैंड के लिए, वहीं से बस लेंगे, बस से हम लोग जाएंगे पूर्णिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग बस पे बैठ चुके हैं, लेकिन उसको सबसे पहले अपना सामान। हम लोग एक साथ तीनों पहली बार बस पे बैठे हैं। क्या बैठे क्या बस? तो बस में तो बालाजी बैठा है लेकिन नानी के साथ। देखिए रैबिट दिख गया है। तो मम्मी भी आ गई हैं डायरेक्ट पूर्णिया, और जस्ट हम लोग के 5 मिनट बाद ही मम्मी भी पहुंच गई। तो हम लोग शोरूम जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग शोरूम पहुंच गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आए हैं अपनी न्यू कार लेने के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा और हम लोग क्या कहाँ कहाँ जाएंगे अभी सब पता चलेगा। तो हम लोग पहुँच गए और बैठ गए, थोड़ा बहुत काम है, राहुल जी उधर बैठ के कर रहे हैं। मेरा गाड़ी 15। आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग आए अपनी न्यू कार के लिए। क्यों आते हैं हमें क्या न्यू कार का है हमारा कार का? वो हम भी बस से आएंगे, हम लोग भी बस से ही आए, क्योंकि फिर वो कार लाते तो चला के कौन लेके जाता। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि बस से ही आएंगे। थोड़ा परेशानी हो गया तो उससे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मम्मी को भी हो गया। हम लोग सेम टाइम पे 5 मिनट पहले हम लोग पहुँचे पूर्णिया, फिर मम्मी भी पहुँच गई। तो अभी हम लोग बैठे हुए, ये हो जाएगा वर्क जो है बचा हुआ, फिर आप लोगों को दिखाएंगे हमारी कार कौन सी है कैसी है। यहाँ पे लास्ट पेपर वर्क चल रहा है और राहुल जी कल भी आए थे, 2-3 घंटे यहाँ पे बैठ के सारा काम निपटा के गए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे बैठना ना पड़े, हमें जल्दी से गाड़ी मिल जाए। फाइनली वो टाइम आ गया जब हम अपनी कार आप लोगों को दिखाएंगे, और मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ क्योंकि राहुल जी पसंद करने आए थे। ऐसे तो मैं ये बुक जो मिलता है वो उसमें देखी थी और ये ऑनलाइन भी दिखाए थे, पर सामने से मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझे देखते ही इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आई ये कार, और बाबू का एक्साइटमेंट तो देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल है। और ये जब से आया है ना, पूरी सारी जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं सब पे अंदर जा के देख देख के मतलब मज़े ले रहा है, इसको इतना ये रहता है। हम लोग स्कूटी भी लेने गए थे तो वहाँ भी जितनी भी बाइक थी सभी पे चढ़ चढ़ के देख रहा था क्या कैसे है, इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे केक कट कर रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग खा पी के नहीं आए थे तो हमें पूजा करने जाना है। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से तो सीधा पूरन देवी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, इसलिए हमने केक नहीं खाया। और अभी जो है लगभग 2 बज गए हैं, तो हमें डर है कि कहीं मंदिर बंद भी ना हो गया हो, पर कोई नहीं, जाएंगे देखेंगे क्या कैसे है। पूजा तो वहाँ पे करवाना ही है, ऐसे पंडित जी तो होंगे ही तो उनसे पूजा करवाएंगे। और यहाँ पे देखिए बाबू केक खिला रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि हमें पूजा करना है, उधर से भी सब बोल रहे हैं खाइए आप लोग भी केक खाइए, तो हमने बोला कि हमें पूजा करना है इसलिए हम लोग केक नहीं खा रहे हैं, और बाबू चाह रहे हैं कि सबको खिलाना। और मम्मी भी भूखी ही आई है, कुछ नहीं खा के आई हैं, बोली कि वहाँ जब पूरन देवी मंदिर जाएंगे तो पूजा कर ही लेंगे तब कुछ खाएंगे। तो गाइस ये है हमारी न्यू कार,
तो अभी बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कैसा है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी गाड़ी कैसी लगी, और अपनी भी पसंद बताइएगा कि आप लोगों को वाइट पसंद है या ब्लैक। ये देखिए, ये दरवाजा खुलता है शो करता है ना, वही पूरा खोल खोल के देख रहा है कि खुला कि नहीं, इसलिए चारों दरवाजा खोल के रख दिया है। मैं आगे का दिखाना चाह रही थी क्या कैसे है, वीडियो में अच्छे से आ जाए, पर ये लड़का उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब से गाड़ी देखा है तब से बस गाड़ी में इधर उधर कर रहा है, तो ये आगे का सही से दिखाने नहीं दे रहा। सीट कवर वाइट था पर हमने यही लगाया क्योंकि ये बच्चे जो हैं, बच्चा शैतान है, वाइट खराब कर देता है, इसलिए हमने यही लगवाया। और गाइस ये बिग सनरूफ है, इसमें यहाँ से वहाँ तक, ये जो है मेरी पसंद है सनरूफ। मैं पहली बार ऐसे देख रही हूँ कार को, ये देखने आए थे, डिसाइड यही करने आए थे। मैं सिर्फ बोली थी कि मुझे ये पूरा खुला रहना चाहिए, पूरा खुला रहना चाहिए, तो सिर्फ मुझे यही चाहिए था कार में, और मुझे कुछ समझ आता नहीं है। हाँ, और मुझे कार की उतनी समझ है नहीं, तो मैं सिर्फ बोली कि मुझे पूरा खुलने वाला चाहिए, तो वो अभी बाद में आप लोगों को पूरा डिटेल बताएंगे गाड़ी का, वो अभी नहीं, दूसरे ब्लॉग में हम लोग डिटेल बताएंगे क्या खासियत है, मतलब क्या क्या क्वालिटी है इस कार में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग निकलेंगे, तो हाँ कार की सिर्फ मुझे यही खासियत, मतलब यही चाहिए था कि बड़ा सा खुलने वाला हो, बाकी मैं बोली कि आप देख लीजिए, आपको जो पसंद हो कार में वो आप ले लीजिए। तो मैं देखने यही आए थे, फर्स्ट बार ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कार को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ब्लैक और वाइट दो कलर थे, तो ब्लैक में भी दिखाऊंगी इधर है, पर हमें पर्सनली वाइट अच्छा लगा, तो इसलिए मैं वाइट। क्या हुआ ये रहा, ये हमारा वाइट और ये हो गया ब्लैक। इसको लगता है कि अभी से गाड़ी का पूरा मतलब देख रहा है कि टंकी कहाँ से खुल रही है, क्या कहाँ से हो रहा है, पूरा इसको अभी से जानना है, सारा बटन दबा दबा के देख रहा है, अभी थोड़ी ना चलेगा। ये पापा का आने दीजिए ना, पापा तब सब बताएंगे क्या कैसे होता है क्या। ये मस्त एकदम लाइट सिस्टम, मस्त तो है। ये शीशा खुल जाता है ना? हाँ, ये जो है शीशा पूरा खुलेगा यहाँ से वहाँ तक। कहाँ से खुलता है? वो अभी चाबी लगेगा ना तब खुलेगा। अपने आप? हाँ। ये देखिए मस्त सिस्टम, देखिए ना, मम्मा देखिए मस्त सिस्टम। हाँ। मत करिए अभी बेटा। देखिए। आप लॉक हो जाओगे अंदर, दरवाजा सारा मत बंद करना। अब सब कुछ हो गया कंप्लीट, अब हम लोग चलेंगे पूजा करने के लिए। ये रहा मेरा फेवरेट पार्ट, इसके लिए, इस चीज के लिए 5-6 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ गए। मुझे ये पसंद था तो इसलिए मैं इनको बोली थी कि मुझे ऐसा चाहिए, तो इस वजह से इनको ज़्यादा लग गया, नहीं तो ये सोचे थोड़ा कम प्राइस का भी ले लेते तो चलता, पर मैं बोल दी थी कि मुझे ऐसा चाहिए। तो पहुंच गए हम लोग पूरन देवी मंदिर, और जैसा कि हमने सोचा था वही हुआ, बंद हो गया था, फिर भी हमने बाहर से दर्शन कर लिया, और फिर गाड़ी की पूजा करके फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा पूजा पाठ करने वहाँ पे भी। और यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं पूजा, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, एकदम जल्दबाजी में 2 मिनट के अंदर ऐसे स्वास्थ्य बना दिए, इधर उधर
मतलब करके नारियल फुलवा दिए, तुरंत निकल गए, इतना फास्ट करवाए तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो माला भी मेरे हाथ में ही रह गया, पहले अच्छे से माला वाला पहनाते, फूल पत्ती डालते तब पूजा होता है ना, ऐसे ऐसे मतलब दो मिनट में पत्ते निकल गए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब जाके मैं सोची कि ऐसे भी, मैं सोची थी कि ऐसे भी पूजा मैं करूँगी ही पंडित जी से करवा के। फिर जो है हम लोग जो अपना सामान लाए हुए थे पूजा करने के लिए वो स्टार्ट कर दिए, और वहाँ पे बांधने के लिए लाए थे चुंदरी। और अब मैं इधर अपना पूजा स्टार्ट करूँगी। मैं सारा सामान, ये पूजा का जितना भी है, मैं घर से लेके आई थी झोले में। तो यहाँ पे मैं अपना जैसे है पूजा अच्छे से करूँगी ताकि मुझे संतुष्टि मिले। ऐसे तुरंत करने वाला पूजा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्वास्थ्य भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कहीं बड़ा कहीं छोटा बना दिए, मुझे वो भी पसंद आया, पर मैं उसी पे बना दी फिर से कि 10 जगह क्या ही गाड़ी को ये करूँ, तो इसलिए उसी पे मैं नियम कर दी। बना तो हुआ था पहले से ही। फिर फूल पत्ती पहले चढ़ाई, मैं यहाँ पे मैं बता रही हूँ कैसे बना दिए हैं जल्दबाजी में। फिर प्रसाद उरसाद चढ़ाई, और यहाँ पे मैं पैर चिपका रही हूँ माता लक्ष्मी के चरण के रूप में। और बहुत से लोग अपने पैर के निशान दे देते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगा, मतलब वो नहीं हमें करना था। तो मैं सोची थी कि मैं अपने हाथ का निशान यहाँ पे लगाऊंगी। और बाबू कहीं पे देख लिया होगा वीडियो में, तो वो ना पहले ही घर में कुछ दिन पहले बोल रहा था, मामा न्यू गाड़ी लेंगे उसमें मेरे पैर के निशान लगाएंगे ना आप। तो मैं बोली कि नहीं बाबू, वो छोटी सी बच्ची लड़की रहती है ना तो उसका लगाया जाता है, आप लड़के हो ना तो मैं हाथ का निशान लगाऊंगी तो आपका भी लगवा दूंगी। तो उसको समझाई थी तो मान गया। तो फिर मैं यहाँ पे लगाई निशान, तो फिर उसको भी हमने लगवाया। उस टाइम पे बोल रहा था नहीं नहीं लगाऊंगा, फिर मैं उसको समझाई कि लगा लीजिए नहीं तो आप घर जाके फिर मुझे बोलोगे कि मुझे नहीं लगवाया। वो मतलब बिना मतलब के गुस्सा हो जाता है, तो इसलिए उसे समझा के फिर से लगवाना पड़ा। तो यहाँ पे पूजा हो गया कंप्लीट, अब बस नींबू बचा है। नींबू मतलब दबा के फिर जाते रहना है हमें। तो फिर पहले पूजा कर लेती हूँ माता के मंदिर में, फिर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे अगरबत्ती दिए जला रहे हैं, पर हवा है ना तो उससे बुझ जा रहा था बार बार, तो बड़ी मुश्किल से जला। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी बाहर से ही पूजा कर रहे हैं क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन मतलब सिर्फ ग्रिल बंद हुआ है तो वहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सामने से माता को। और पूजा कर लिए और हमें प्रसाद, हमने प्रसाद भी चढ़ाया, माता का चुन्नी भी मिला हमें। पूजा कर ली, अब चलते हैं, अब कहाँ जाएंगे वो देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आ गए हम लोग गाड़ी के पास और राहुल जी यहाँ पे पहले से थे और नींबू डालने का काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से हम लोग चले यहाँ से। फिर पूर्णिया में ही एक मंदिर है पुल के नीचे, तो वहाँ पे हम लोग आ गए। जब भी हम लोग पूरन देवी के मंदिर आते हैं तो यहाँ पे भी पूजा करने ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे भी जैसा कि बंद था, दोपहर का टाइम था, 4 बजे तक बंद ही रहता है शायद, और यहाँ से बगल से थोड़ा सा खुला था तो मुझे दर्शन मिल गया काली माँ का। और यहाँ पे हम लोग बाहर ही बाहर पूजा कर लिए और अब चलते हैं हम लोग। यहाँ भी थोड़ी सी ये पूजा करवाएंगे गाड़ी की यहाँ के पंडित जी से। यहाँ भी थोड़ा सा सही लगा कि मंत्र उंतर पढ़े पंडित जी, अच्छे से पूजा किए तो लगा कि हाँ अच्छे से पूजा हो गया। मेरे
ऐसे बड़े हम लोग पहुंच गए कटिहार और यहाँ पे मिर्चाई वाड़ी में हम लोग कुछ खाएंगे फिर घर जाएंगे। कटिहार का बिगेस्ट डोसा, कितना बड़ा है साइज, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये देखिए चाबी, राहुल जी मुझे बता रहे थे कि अगर इस बटन से आपका नहीं खुलता है कार तो ऐसे चाबी निकाल के ऐसे खोल सकते हैं। हम लोग घर पहुंच के कपड़े खोल के पहले पसर गए, इतना परेशान हो गया, दिन भर गर्मी इतना था ना, उस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और आप लोग बताइएगा हमारी गाड़ी कैसी लगी और डिटेल कभी वीडियो हम लोग बनाएंगे क्या कैसे है उसमें, तो आप लोग बाद में देखिएगा, पूरी वीडियो देखिए, यूट्यूब की कमाई है क्या है। तो बस वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।